अल्लाम नाजरीन आप देख रहे हैं पाकिस्तान रात और मैं हूँ शहजाद इकबाल नाज्रीन कौमी सलामती पर बुलाई हुई ए पी सी अब भी जारी है ढाई बजे इब्तदाई तकरीर की थी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने तो साढ़े छः घंटे से जायद हो चुके हैं सबसे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के बाद फ़ॉन मिनिस्टर हिनाबानी खर साहबा ने जो है ब्रीफिंग दी और उसके बाद डी जी आई एस आई ने ब्रीफिंग दी और उसके बाद से जो है जो शुरा थे उनके सवालत का सिलसिला शुरू हो गया है ओपनिंग रिमार्क्स में गिलानी साहब ने बताया कि आज गुफ्तु होगी एपीसी में मुल्क की और ख़ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है उस पर और इसके अलावा जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पाकिस्तान पर उसका जवाब भी तैयार किया जाएगा करारदा पहले तो कहा गया था कि तैयार की गई थी लेकिन इमरान खान साहब समेत कुछ और लोगों ने उस करारदादा पर दस्तखत करने से मना कर दिया इसके बाद एक और करारदा तैयार की गई है इसके अलावा अभी Uh, कुछ इन्फॉर्मेशन अंदर से आई है बाहर के नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे क्या रिमार्क्स दिए हैं अचक जई साहब ने क्या कहा है और डी जी आई एस आई ने अपनी ब्रीफिंग में क्या कहा वो आपको बताएंगे लेकिन पहले सुनते हैं कि वजी अजम साहब ने अपनी इब्तदाई तकरीर में मजीद क्या कहा पाकिस्तान पर डू मोर के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता हमारी कौमी मफादात का हर हाल में एहतराम किया जाए हमारे तरफ से गुफ्त शनीद के तमाम दरवाजे खुले हैं हम आलमी बिरादरी के तान के मतमनी हैं मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की सियासी क्यादत और अवाम एक बार फिर अपनी मादरे वतन की जग्राफियाई हदूद आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत और दिफा के लिए पुराज है कौम को अपनी मुसलह फौज पर फख्र है और मुल्क दिफा के मामलों में उन्होंने कौम को कभी मायूस नहीं किया इन हम मुतहद होकर इन तमाम चैलेंजों का मुकाबला करेंगे अजीम वजीर आजम साहब का कहना था कि कौमी सलामती हमारी अवलिन तरजीह है दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी लेकिन डू मोर का जो प्रेशर जो दबाव पाकिस्तान पर डाला है डाला जाता है और डाला गया है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये कहना गलत नहीं होगा कि मनफी नोट पर आगाज हुआ था इस ए पी सी का क्योंकि बलूचिस्तान की दो अहम पार्टीज बीएनपी और नेशनल पार्टी ने बायकॉट किया था इस एपीसी का और वजूहत ये बताई गई है कि बलूचिस्तान जो कि एहसास महरूमी का शिकार है उस पर किसी किस्म की कभी ए पी सी क्यों नहीं बुलाई गई वहाँ पर जो बलोची लीडर्स हैं बलोची लोग हैं उनका वहाँ पे कत्लोम हो रहा है और वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बद बत से बदतर होती जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी उसको बेहतर नहीं बना सकी उस पर आज तक कोई ए पी सी नहीं बुलाई गई तो यकीन ये कहा जा सकता है कि एक मनफी नोट पर आगाज़ हुआ था इस ए पी सी का आज ए पी सी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एम क्यू एम के रहनुमा और आ, मेंबर है नैशनल असम्बली के आसिफ हसनै साहब बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब शो पर तरीफ़ लाने के लिए इस्लामबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाह खान साहब आपका भी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब शो पर आपने हमें ज्वाइन किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगी मेंबर नेशनल असेंबली महरीन अनवर राजा साहिबा जो कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी मैं आगाज़ गुफ्तु का करूँगा सैनीटर साहब आपसे मियाँ नवाज शरीफ ने तो आज बड़ा सख्त स्टांस लिया है उन्होंने कहा है कि यकीन कुछ तो ऐसी वजह है जिसकी बुनियाद पर दुनिया शोर मचाती है कुछ तो यकीनन दाल में काला है क्यों ये कहा है आपके ख्याल में मियाज नवाज शरीफ साहब ने रहीम देखें शहज़ाद बात यह है कि आज हम एक इंतहाई बुरानी दौर से गुजर रहे हैं सूरत हाल नाजुक है हमें हमलों की धमकियाँ दी जा रही हैं अमरीका की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि हम सर्जिकल इस्ट्राइक भी करेंगे और हो सका बमबारी भी करेंगे तैयारे भी भेजेंगे और ज़मीनी फ़ौज भी उतारेंगे अब ये कितनी उसमें वो यानी कि सीरियस हैं इन बातों में ये भी चंद दिनों में पता लग जाएगा लेकिन बहरहाल ये संजीदा यानी कि उन्होंने जो बातें की हैं मेरे नज़दीक ये ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता अच्छा आप मियाँ साहब के हवाले से जो बातें कर रहे हैं आ, ए पी सी जो हुई है हम आपको आपके इल्म में ये बात है कि हम एक अपनी रिजर्वेशन के साथ ए पी सी में गए हैं इसलिए कि वो उसका उन्होंने भी इज़हार किया है वहाँ पर लेकिन अभी जितनी भी ख़बरें आ रही हैं पता नहीं ये सही हैं ये गलत हैं लेकिन अगर ये सही हैं तो हम उस पर बात कर सकते हैं जो बाईस अक्टूबर दो हज़ार नौ की क्रदा थी और जो चौदह मई दो हज़ार ग्यारह की क़रारदाद उसमें पूरी यानी कि ज़बरदस्त डेलीब्रेशन हुई थी पूरी पार्लीमेंट पार्लीमेंट का मतलब कौम का कलेक्टिव विज्डम होता है और उन्होंने अच्छे यानी कि मशवरे दिए थे और अच्छे फैसले किए थे लेकिन आप ये देखिए कि पहली जो करारदाद थी 2009 हज़ार नौ की बाईस तक मैं, मैं मैं तो मुशाहिद तो साहब उस पर आना चाहूँगा मैं उस पर आपसे बात करना चाहूँगा लेकिन ये जो उनके स्टेटमेंट्स आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाद में वेरीफाई हो सकेगा कि ये बात उन्होंने कही है और अगर कही है तो किस कॉन्टेक्स्ट में कही है लेकिन पढ़ने में ऐसा लगता है कि जो इल्ज़ाम अमेरिका की जानब से पाकिस्तान पर लगाए गए हैं उसमें यकीनन कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है और हमें अपने गरीबानों में झांकना जरूरी है जरूरी है इनवर्ट देखना जरूरी है क्या ये मतलब हो सकता है अमिया साहब की बात का देखें डेफिनेटली जब हालात खराब होते हैं देखें जो वाइज नेशंस होती हैं ना वो अपना कीड़ा पहले देखती है दूसरे के गरीबान में बाद में झाँकती हैं अगर आज हम तन्हाई का शिकार हैं आलमी तौर पर कोई हमारे साथ नहीं खड़ा जो आ भी रहे वो भी हमें ए, 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 मतलब कि समझाने ही आ रहे हैं चाइना के नायब वज़ी अजम ने अपनी गुफ्तू में यही कहा ना कि भाई सिंग में आप ज़रा ख्याल करें तो सऊदी अरब का भी जो रोल होता है अमरीका के हवाले से वो सबके सामने है तो इसकी इस 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 इन वजूहत पर गौर नहीं करना चाहिए अच्छा फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि सारी दुनिया झूठ बोल रही है और हम ही सच बोल रहे हैं जबकि हमारा हाल ये है कि यह हकूमत इस कौम से झूठ बोलती है इस कौम ये कौम फैसले करके देती है उस पर वो अमल दरामद नहीं करती तो इसके बावजूद आज जो भी सूरत हाल मियाँ साहब ने यह भी कहा है कि हम पूरी कौम के साथ हैं और मुसल्लाफाज का भी हम साथ देंगे अगर कोई बैरूनी जारियत होगी लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें अपनी गलतियों जो है उसको, उसको उसको उस पर गौर करने की हमें ज़रूरत नहीं है अगर हम गलतियों पर गो, गौर नहीं करेंगे तो आप ये देखें कि हर कुछ अरसे बाद कोई बोरानी कैफ़ियत पैदा होती है उस पर कौम जो है इकट्ठी हो जाती है सियासी क़्यादत और सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा और ये आगो ख़ून का दरिया है जिसमें पैंतीस हज़ार अफराज जो हैं शहीद हो चुके हैं जिसमें पैसठ से सत्तर डॉलर की नुकसान हुआ है, हुआ है। क्या आप सही कह रहे हैं। अपनी गलतियों पर भी हमें गौरव फिकर करने की जरूरत है आसिफ साहब पहले तो ये जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि मनफी नोट पर आगाज हुआ इस एपीसी का क्योंकि जो बलोच रहनुमा है बलोचिस्तान में जो लोग हैं वो एहसास महरूमी का शिकार है और आज उन्होंने इस ए पी सी का बाइकआउट भी किया जबकि दो दिन पहले तक तो ये सुनने में आ रहा था कि वो अटेंड करेंगे इस ए पी सी को क्या कहेंगे इस पर आप बसमिल रहीम देखें बिल्कुल आ, जो कमेंट था आ, अगर उसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊँ तो इस वक्त पाकिस्तान इंटरनल और एक्सटरनल जो दोनों सूरत हाल में गुजर रहे है इंटरनल जो सूरत हाल है उसमें अगर आप देखें तो सुबह सिंध जिसमें तौर पर कराची बलूचिस्तान में जो शोरिश है इस वक्त और इस वक्त जो खैबर पख्तन ख़्वा खाम तो दहशतगर्दी के हवाले से जो जंग लड़ी जा रही हो जिसमें हमें नुकसान इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का सेवेंटी परसेंट एरिया इस वक्त जो है वो जो डिस्टर्ब है और इंटरनटूरतल से गुजर रहा है वो इंतहाई तश्वीश नाक है दूसरी तरफ जब इस किस्म की सिचुएशन ये पैदा हो रही है तो हमें एक बात जहन में रखनी है हमें ना ओवर इस्टिमेट होना है और ना अंडर इस्टिमेट करना है वजह उसकी ये कि इस वक्त हम सिर्फ एक चीज़ को फोकस कर रहे हैं वो ये कि जी हम जो है वो किस तरह लड़ेंगे हम किस तरह मतलब लड़ाई का इस वक्त तो कोई सिलसिला नहीं है हम अगर ये सब कुछ नाइन एलेवन के वाक़े के बाद अगर हम इसको तोज्जो से देख लेते तो उसके बाद जो हमारे पर प्रेशर आया था हमारी अस्करी क्यादत और हमारी जो लीडरशिप थी सियासी लीडरशिप थी वो उसी वक्त फ़ैसला करती और उसके मुताबिक पॉलिसियाँ मुरतब करते तो शायद हम इस जगह पे आज खड़े नहीं होते हमने नाइन के बाद के प्रेशर को भी ईज़ी लिया और आज सूरतल पे खड़े हो गए दूसरी तरफ जब हम ये कहते हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल थे जो गुजर रहा है इसमें आपके पास इस सूरत हाल में हल किया है देखें आ, अगर आज आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है तो ठीक है हम इसका खैर मकदम करते हैं इसलिए खैर मकदम करते हैं कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि सिर्फ सियासी जमातें नहीं बल्कि वो सियासी जमातें भी जिनके आपस के अख्तलाफा थे वो सियासी जमातें जो ऐवान से पार्लियामेंट से बाहर हैं और ख़ास तौर पर अस्करी की ये सब आज बैठे हैं और यकीनी तौर पर इन्होंने ही फैसला करना है कौम को जो एक उम्मीद है जो एक तो ये है कि ये सारी वो वोत सिविल की आदत ने फैसला करना है या अस्करी की आदत में सब ने, ने मुतफ़ा फ़ैसला करना है देखें आपकी जो सिविल जो जो बैरूक्रेसी है आपके जो अवमी नुमाइंदे हैं या आपकी जो मिलट्री स्टेबलिशमेंट है बदकस्मती से जो भी चीज़ें आज तक होती रहीं उसको आपनेवा के मुताबिक नहीं किया आवाम को अतमाद में नहीं लिया जिसकी वजह से आज आप इस सूरत आल में हैं कि आज ये सोच रहे हैं कि जी सूरत आल क्या बनेगी आज आप तिरसठ साल के बाद ये सोच रहे हैं कि आपकी पॉलिसीज़ होनी क्या चाहिए खारजा पॉलिसी में जब आप नाकाम हो जाते हैं तो आज आप बैठते हैं कि जी हमारी पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए इसका मकसद ये कि आज गो के बहुत जो है वो कठिन सूरत हाल से आप गुजर रहे हैं लेकिन बहरहाल आप सबको एक मैसेज जो है वो देना है पूरी के आपकी तमाम क़्यादत मुतफ़ है आपकी कौम मुतफिक है और दुनिया को ये मैसेज देना कि जो जो कुछ भी आपने दहशत गर्दी की जंग में जो नुकसान हुए हैं आपके जो कुछ आपके साथ किया गया है यकीनी तौर पर वो एक बड़ा जो है हिस्सा है आपका आपने उसी जंग में जो है पार्टिसपेट किया है आज अगर मगरबी ताकतें या अमेरिका अगर ये कहता है कि जी आ, पाकिस्तान जो है वो ये सारी सूरत हाल में इन्वॉल्व है आईस आई इन्वाल्व है फ़ौज इन्वाल्व है तो फिर पाकिस्तान की अस्करी क्यादत को और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को उनको ये बावर कराना है कि हमें जितना नुकसान हुआ है इस जंग में इतना किसी को भी, भी, भी नुकसान नहीं हुआ मुशाह मैं आपसे भी इस चीज़ पर बात करना चाहूँगा ये जो बलोचिस्तान की पार्टीज़ ने बाइकआउट किया है क्या हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्रिया नहीं होना चाहिए कि बलोचिस्तान रहनुमा इस ए में इस इम्पॉर्टेंट ईशू में जो है वो शर्क नहीं हुए देखें बात यह है शहज़ाद के बलूचिस्तान की कुछ पार्टियों ने डेफिनेटली उसका बाइकाट किया कुछ हैं तो बड़ी पार्टी बलोचि की जी जी बिल्कुल बड़ी हैं और ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये इन्तहाई तश्वीशनाक बात है कि एक कौमी मसले पर एक सूबे की बड़ी पार्टियाँ है जो हैं वो उन्होंने अगर हिस्सा नहीं लिया है तो उनके भी बड़े कुछ संजीदा किस्म के ये रिज़र्वेशन मौजूद हैं और उनके कुछ मसाइल हैं ऐसे उनका गिला यह है कि हमारे मसाइल को एड्रेस नहीं किया पिछले साढ़े तीन साल में तो मैं उनसे तो यही कह सकता हूँ कि किसी और के कौन से उन्होंने सिंध के मसाइल हल कर दिए हैं या बलोच एन डब्ल्यू एफ पी के कर दिए हैं जो आपके करते तो मसाइल तो कहीं के भी हल नहीं हुए ना ये सारा तो सिलसिला साढ़े तीन साल से गैर संजीदगी से चल रहा है गैर जिम्मेदारी से हो रही हैं सारी बातें और इसीलिए आज हमें ये देखना पड़ रहा है कि इतने अहम तरीन जो आ, मसला पाकिस्तान एक बुरानी कैफियत में है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया गया है उसमें दो पार्टियाँ अगर नहीं आती तो यह हकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए बाक़ी भी तमाम लोगों को सोचना चाहिए और जो बलूचिस्तान के हालात हैं वहाँ पर जो लापता अफराद जो है उनका एक बड़ा मसला है और इसी तरह से जो अकबर भुगटी साहब का वहाँ पे कत्ल हुआ था उसके बाद जो वहाँ पे सूरत हाल पैदा हुई जो कि माजी में कभी भी नहीं थी उस सारी चीज़ों का एड्रेस करने के लिए मुझे बताएं ना खाली माफ़ी मांगने से तो इस तरह के अगर मसाइल हल होने होते तो बहुत पहले हल हो चुके होते तो हकूमतें जो हैं वो माफ़ियों से नहीं चलती माफ़ी मांगने से बल्कि अपने इकदाम से चलती हैं जो कि इकदाम बलोचिस्तान में लेने चाहिए थे उन्होंने नहीं लिया इसी वजह से वहाँ की कल भी जो है व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया उन्होंने नहीं किया। मुलन ने जो इल्जाम लगाए हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आई पर लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि पाकिस्तान को हकानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी आज जब ये हमारे अहम कायदीन इस कॉन्फ्रेंस से निकलेंगे तो क्या इस चीज पे फैसला हो चुका होगा कि हमने अमेरिका के साथ चलना है और अगर अमेरिका के साथ चलना है तो शायद अमेरिका की इस डिमांड को पूरा करना होगा या फिर हम ये फैसला करके निकलेंगे कि अमेरिका के साथ तल्ल हम नहीं निभा सकते क्योंकि हम उनकी इस शर्त को पूरा नहीं कर सकते देखें शहजाद ये फैसला कि हकनी नेटवर्क के खिलाफ कोई इकदाम करना है या नहीं करना यह पाकिस्तान का मसला है अगर अमेरिका की डिक्टेशन पर ही ए, हमने ये सारे काम करने हैं जो कि उसकी डिक्टेशन रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और सिला आ, सिला कुछ नहीं है यानी कि आप ये देखिए कि अमरीका ने इतनी कुर्बानी नहीं दी ये जो छियालीस मुल्कों की फ़ौज है नेटो उन्होंने इतनी कुर्बानी नहीं दी पाकिस्तान ने ज़्यादा कुर्बानी दी है इस जंग के लिए जो भी एक सो कार्ड लगे वार अगेंस्ट टेरर हो रही है इसमें एक फ़ैसला लिया परवेज़ मुशर्रफ़ ने और ये मौजूदा हुकूमत जो है जमहूरी हुकूमत लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये अब रिविज़िट करेंगे खर्जा पॉलिसी को और जो पार्लियामेंट की करारदादें थी उसमें ना सिर्फ तमाम पार्टियों ने बल्कि अस्करी क़्यादत ने भी ये कहा कि हम रिविज़िट करेंगे रिव्यू करेंगे लेकिन उसके बाद नहीं किया कहीं कोई लाइन ड्रा नहीं की जिसका नतीजा ये हुआ कि आज वो इतनी खुलकर डिक्टेशन दे रहे हैं कि ये करो वरना हम ये करेंगे तो ये सूरत हाल इसे अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो क्या ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला नहीं है आपने अगर कोई एक्शन लेना है तो आप ख़ुद फैसला करें पोलिटिकल लीडरशिप ख़ुद फैसला करे या हुकूमत खुद फैसला करे ये तमाम बातें जो फौज में भी छोड़ी हुई हैं ये भी गलत हैं फैसला सियासी होता है अमल दरामद फ़ौज करती है दीगर अदारे करते हैं लेकिन इस फौज फौजूमत का जो भी हाल है वो तमाम तो दुनिया के सामने है ठीक है आसफ़ साहब कोई तीसरा ऑप्शन है हमारे पास क्योंकि देखें आ, ये भी आज कहा गया है जो अब तक की खबरें आई है कि अमेरिका से तल्लत नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पे हम नहीं लेके जा सकते तो ये ज़रूरी है कि अमेरिका के साथ हमारे तल्लतों ट्रांजेक्शनल हैं स्ट्रेटेजिक हैं किस सतह पर हैं इस पर बहस की जा सकती है ये बताएगा क्योंकि तीसरा ऑप्शन हमारे पास है एक ऑप्शन तो ये है कि हम हकानी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें दूसरा ये है कि अमेरिका को कह दें कि जब भी हमारी मर्ज़ी होगी तब हम ऑपरेशन करेंगे या फिर कोई तीसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है सूरत हाल से निकलने के लिए देखें जी पहली बात तो ये होती है कि जब कोई ताल्लक़ात किसी मुल्क से होते हैं तो वो बराबरी के बुनियाद पर होते हैं और तमाम ममालिक एक दूसरे के मफादात होते हैं जिसके बुनियाद पर ये सारी चीज़ें होती हैं किसी तल्लुक का मकसद जो है वो ये नहीं है कि हम किसी की गुलामी में हैं आज जो सूरत हाल हमारे सामने है उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ है कि जब हक्कानी नेटवर्क के हवाले से मामला सामने आए तो ये ज़िम्मेदारी थी हमारी क़्यादत की ख़ास तौर पर अस्करी क्यादत की कि वो ये बात अमेरिका को और दीगर ममालिक को ये वाज करे कि जी अगर चंद अफराद की इनफरादी कोई जो है वो उसमें कोई इनफ़रादी तौर पर उनका अमल है तो इस इसका मकसद ये नहीं कि पूरी पाक फ़ौज इसमें मुलविस है या पूरा पाकिस्तान इसमें मुलविस है हम ताल्लुक चाहते हैं और बेहतरी की और बराबरी की बुनियाद पर चाहते हैं मैं समझता हूँ कि कन्वेंस करने की ज़रूरत है अपने मौक़ को वाजे और सही तरीके से बयान करने की ज़रूरत है हमने आ, मैं फिर कहूँगा कि इस दहशत गर्दी जंग में जितना हमने नुकसान उठाया है हमें डिप्लोमेटिक दो ढाई साल से हम कन्विंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं कि नॉर्थ वजेस्तान में आप ऑपरेशन करें हम मना कर रहे हैं कि नहीं ये राइट टाइम नहीं है तो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब बात इस पर आके पहुंची कि वो कह रहे हैं कि आपने ऑपरेशन करना है अभी करना है देखें बात अभी भी अमरीका आपसे ताल्लत ख़राब करना नहीं चाहता ये दुनिया आपसे ताल्लत ख़राब करना नहीं चाहती वजह क्या है मैंने फिर कहूँगा गिवेंट एक दूसरे की ज़रूरत है आप अगर सिर्फ पेंटागॉन के बयान को या आप माइक मोलन के बयान को यह समझ लें कि जी वो आप पर हमला कर देंगे मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है लेकिन हमें वक्त ज़ाये किए बगैर ये आज बेहतर जो है वो तरीका था कि आज जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें एक ऐसा मैसेज दिया जाए उन तमाम लोगों को कि जी हम पहले भी आपके साथ थे और हम इस दहशत गर्दी की जंग में हम भी आपके साथ हैं लेकिन जो कुछ नुकसान आज हमारा भी हो रहा है देखें आज अगर आप हमले की बात करते हैं अफगान तो बॉर्डर से जो हमारे फौजियों को पे हमले किए गए हमारे आवाज किए गए हमें जो नुकसान हुए गए उसको भी बताने की जरूरत है तो मैं यह समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि दुनिया हमारे मौकफ को मानने के लिए तैयार नहीं होगी बिल्कुल मानेगी मैं प्रोग्राम में अपने तीसरे मेहमान को भी इंट्रोड्यूस कराऊँ महेन अनवर राजा साहेबा हमें ज्वाइन करिए आप मैंबर नेशनल असेंबली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है बहुत बहुत शुक्रिया महरीन अनवर राजा साहेबा शो पर ज्वाइन करने के लिए बड़ी इस कॉन्फ्रेंस को हाइप दी गई और यह कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी है महरीन साहिबा एक बात तो तय है शायद हम कोई फैसला कर पाए उस पर अमल दरामद हो ये बात की बात है लेकिन हमने एक स्ट्रॉग सिग्नल पूरी आलमी दुनिया को दिया है कि ये जंग के हम हक में हैं दहशत गर्दी के हम खिलाफ हैं लेकिन हम अपने असूलों पर यह जंग लड़ेंगे और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ये बड़ा अच्छा सिग्नल हमने आर्मी बिदरी को दिया है लेकिन सवाल मेरा आपसे यह होगा पहले महरीन साहबा कि क्या वजह है कि बलुचिस्तान की दो अहम पार्टीज ने बाइकआउट किया है क्यों आपकी हुकूमत साढ़े तीन साल में उनकी महरूमी को दूर नहीं कर सकी कि इस कौमी इशू पर भी वो जो है इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए अब रहीम बलूचिस्तान की पार्टीज़ ने बाइकआउट क्यों किया है ये तो उनके ही कोई रिप्रेजेंटेटिव बता सकते हैं मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोल्यूशन की मौजूदा हुकूमत ने बलूचिस्तान में जो भी पेशर रफ्त कर सकते थे वो उन्होंने की है जहाँ तक आज की ए पी सी का ताल्लुक है मैं समझती हूँ एक बहुत वाज मैसेज गया है पूरी दुनिया में नेशनल और इंटरनेशनल के पाकिस्तान ने ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं जो ताल्लुका अच्छे ताल्लुक तमाम ममालिक से जाता है वो ताल्लुक इक्वालिटी और ट्रस्ट की बेस पे जाता है मैं ये समझती हूँ आज तमाम पोलिटिकल पार्टीज वहाँ पे मौजूद हैं और अगर दो पोलिटिकल पार्टीज वहाँ पे नहीं आई उनको भी आना चाहिए था मैं ये बात बताती चलूँ कि जब कौमी अमूर के मामला हों और जब कौम की सॉवरानिटी और इंटेग्रिटी की बात हो आप अंदर के तमाम मामला भूल जाए कि तीन साल में आपके साथ क्या हुआ या तीन सौ साल में आपके साथ क्या हुआ ये सोचना चाहिए कि आज किसी की नजर आप पे पड़ी है, वो आप कौन है, वो कौम है मुल्क है पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान के अपने अंदरूनी जितने भी हमारे नजरियात हैं या हमारी कोई लड़ाई है वो हम अंदर जरूर करते रहेंगे मगर बाहर ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए था मैं ये समझती हूँ आज की जो एपीसी है ये अपना इलामिया आने से पहले ही बहुत कामयाब इस तरह हो गई है कि अमेरिकन ने अपनी स्टेटमेंट्स को देखना शुरू कर दिया है और माइक मोलन ने जो बयान दिया था जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था जो स्टे, अमेरिकन स्टेट के दूसरे स्पोक्समैन हैं उन्होंने उसको उस तरह ओन नहीं किया तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ी पेशर है ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है और हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि हमने अमन कायम करने के लिए तमाम ममालिक की मदद की है और हम ये चाहते हैं कि तमाम जितने भी इंटरनेशनल हैं वो पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए तमाम वो जिद्दोजहद करें क्योंकि आपने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि ए पी जो है बड़ी कामयाब है मुशाहब क्या ऐसा ही है कि अगर साठ परसेंट हमारे रहनुमा जमा हो जाए और वो बातचीत करें तो उसको हम कामयाबी करार दे सकते हैं या आगे भी कुछ होना है इसके बाद आप उसको कहेंगे कि ये कामयाब कॉन्फ्रेंस थी असल में देखें एक तो बुनियादी बात होती है बुनियादी बात ये दुरुस्त है कि आज तमाम तकरीब पार्टियाँ वहाँ पर जो हैं मौजूद थी सिवाए दो पार्टियों के और वो भी होती तो शायद और बेहतर होता और जो भी ये बयान आए हैं सर्जिकल स्ट्राइक के और ज़मीनी हमलों के और बमबार तैयारे भेजने के ये कौमी मसला बन चुका है एक बोरानी कैफियत भी है और आपकी ख़ुद मुख्तारी पर हमला करने की बात की गई है तो ऐसे में जाहिर है तमाम सियासी क़्यादत को तमाम सियासी जमातों को एक होकर पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहिए कि हम आपस में हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं भी और हमारे बहुत शदीद अखिलाफ हैं हम तफ़ात के साथ गए हाँ लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात के... आती है ना मुशाह साहब के पहले भी हमने रेजोल्यूशन पास की हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन आप लोग खुद चीखते रहते हैं कि नहीं हुई तो खाली ए पी सी करना कामयाबी है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होगी नहीं असल बात तो इम्प्लीमेंटेशन ही होती है इकदाम ही होते हैं वरना तो कागज़ पर लिखे हुए हरूफ और मुँह से कहे हुए अल्फाज जो अल्फाज और हरूफ ही रह जाते हैं माजी में हमारे रिजर्वेशन तो यही है ना कि माजी में जो पार्लियामेंट के करारदादे थी उस पर अगर अमल दरामद कर दिया जाता तो शायद हम आज की सूरत हाल से बच भी सकते थे और ना भी बचते तो हम बेहतर पोजिशन में होते और हमने कुछ लाइनें ड्रा कर ली होती लेकिन अब अब बात यह है कि इस वक्त मतलब कि एक बात तो बड़ी तय है जो मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ ये डिटेल्स हैं कि हमारे क्या अख्लाफा हैं क्या नहीं है मुझे बुनियादी बात यह है मुझे ब्रेक की तरफ जाना है सेंटर साहब इसके बाद में आपका ये कॉमेंट एक जुमला जी, जी फरमा दीजिए एक जुमला मेरा कंप्लीट होने दें मैं ये कह रहा हूँ कि बुनियादी बात यह है कि कौम के फौज के जब भी अगर कोई ऐसा कोई इन्वेट करने की कोशिश करेगा तो तमाम कौम माजी में भी कई दफ़ा मुतफ़ और मुतहद हुई है अब भी इन शतफ़ और मुतहदे ठीक है एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और सारी तफ़ीत मुख्तफ टी वी चैनल्स पर आ रही हैं कि फला रहनमा ने यह बात की फला शख्स ने यह ब्रीफिंग दी लेकिन अब तक इनको वेरीफाई नहीं किया गया है इसीलिए एक सवाल ये भी उठाया जा रहा था कि क्या ये जरूरी नहीं था कि अवाम को भी मालूम चले कि क्या इस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है क्योंकि अगर अनकन्फर्म्ड खबरें आएंगी तो स्पेकुलेशन होंगी और लास्ट टाइम भी जब दो मई के बाद एक पार्लियामानी सेशन हुआ था उसके बाद काफ़ी सारी स्पेकुलेशन भी थी जिससे मामलात कुछ हद तक और बिगड़ गए थे तो ये भी एक पॉइंट है मैंने कहा प्रोग्राम में शामिल करना जरूरी होगा अब ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे नाजिन हमारे साथ रहिएगा